hope you are fine. So here we are learning science of class 4 and it's on page 35. तो आज हम क्लास 4 की साइंस का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है प्लांट्स, पौधे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि प्लांट्स तकरीबन सबके घर में, सबको ही प्लांट्स उगाने का शौक़ होता है। कुछ के घर में प्लांट्स होते हैं, कुछ ने डिफरेंट डिफरेंट मतलब गार्डन वगैरह में लगाए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स लगाए होते हैं। तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ऑब्जेक्टिव रीड आउट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं सर्वाइव करने के लिए, मतलब प्लांट्स को किस किस चीज़ किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्लांट्स की, जैसे कि उसकी मूवमेंट, ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एंड हायर प्लांट्स, के सिंपल और हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद सिंपल और हायर प्लांट्स को आपस में कंपेयर करेंगे उनके फीचर्स को जानने के लिए। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कीप अ प्लांट आउट ऑफ द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम द प्लांट डाइज, अगर हम मतलब ज़मीन में से या सॉइल में से प्लांट को निकाल दें तो जो और वैसे ही छोड़ दें तो जो प्लांट होता है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। वाई डज इट डाई, तो वो मरता क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट गेट इट्स बेसिक नीड्स टू सर्वाइव, क्योंकि उसको अपनी बेसिक नीड्स नहीं मिल रही होती कि वो जिंदा रह सके या वो सर्वाइव कर सके। अब इतना तो सबको पता है कि जो ह्यूमंस हैं, जैसे हम हैं, तो हमें खाने की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें हवा की ज़रूरत है, हम इस सब चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उसी तरह प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं ना, इनको भी सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, मतलब कुछ बेसिक नीड्स हैं इनके, जो हम इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे। लाइक एनिमल्स, इन जानवरों की तरह प्लांट्स ऑल्सो नीड सम बेसिक फैक्टर्स टू सर्वाइव। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको भी कुछ बेसिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। दे नीड सनलाइट, उन्हें सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और सॉइल चाहिए। इन मिनरल्स टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी, ताकि वो ग्रो कर सकें और हेल्दी रह सकें। प्लांट्स विल डाई और विल्ट विदाउट दीज बेसिक फैक्टर्स। तो अगर हम उनको सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वाटर नहीं देंगे, एयर नहीं मतलब उनको सही मिलेगी और सॉइल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? वो मर जाएंगे या फिर मुरझा जाएंगे। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, दो जो प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको हम बॉटनी कहते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स आर नोन एज बॉटनिस्ट, तो जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लांट्स हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फ्रेश एयर एंड मैनी यूजफुल थिंग्स, वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी की ही मुफीद चीज़ें जैसे फ्रूट्स वगैरह। प्लांट्स आर खाल प्रोड्यूसर्स, प्लांट को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन देयर लीव्स, क्योंकि वो अपने ही लीव्स से खाना प्रोड्यूस करते हैं। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, तो जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी फॉर्म में? शुगर की फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग शुगर इन साइड लीव्स बाई ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, तो इस सारे प्रोसेस को, फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को, मतलब इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिर्फ सनलाइट की मदद, मतलब सनलाइट की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है, मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही निकल सकता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऑक्सीजन तो हमें पता है कि क्या है, कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। तो इसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि प्लांट्स की मदद से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन की मदद से हम जिंदा रहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं प्लांट्स की। लेट्स रीड अबाउट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स इन डिटेल, हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आगे मूवमेंट हरकतें। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ प्लांट मूव्स, क्या आपने कभी नोट किए या मतलब आप हैरान नहीं हुए कि जो प्लांट है वो मूव कैसे करता है? प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकता हमारी तरह, जैसे हम कहीं पर भी उठ के चले गए
मतलब हम अपनी मर्जी से उठ के जा सकते हैं, हिल सकते हैं, ये वो, लेकिन प्लांट्स क्या है, वो ये नहीं कर सकते. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जिस जगह पे हैं वो उसी जगह पे ही रहेंगे जब तक हम उनकी मूवमेंट नहीं कराते. द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस इन मैनी फॉर्म्स, जो लेकिन जो इनकी मूवमेंट होती है वो बहुत से मतलब फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे बेंडिंग, ट्विस्टिंग, एलोंगेशन, मतलब इनका भरना, इनका ट्विस्ट करना, इनका बेंड करना, ऐसे हवा चलती है जब तो ये आगे पीछे मूव करते हैं, उसी चीज़ को इनकी मूवमेंट वही होती है. ठीक है. यंग सनफ्लावर्स प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैक द सन. दे फेस ईस्ट ईच मॉर्निंग एंड फॉलो द पाथ ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे. तो ये क्या करते हैं, जो जो छोटे छोटे सनफ्लावर्स होते हैं ना, उनकी एबिलिटी होती है वो सन को ट्रैक कर लेते हैं. तो पूरा दिन क्या होता है, जो सूरज निकलता है ईस्ट से वेस्ट निकलता है ना जब, तो ये क्या करते हैं, पूरा दिन उसको फॉलो करते हैं. तो जैसे जैसे सन का जो पाथ होता है, ये भी उसी पाथ पे चलते हैं. ग्रोथ की बात कर लेते हैं. लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो ग्रो, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. व्हेन वी स्प्रेड सीड्स इन द सॉइल, जब हम सॉइल में क्या करते हैं सीड्स, तो जो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स गेटिंग प्रॉपर सनलाइट, तो इन्हें प्रॉपर सनलाइट, वाटर और मतलब रिच मिनरल्स की ज़रूरत होती है फास्ट ग्रो करने के लिए. अब उन्होंने बताया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीड ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व इन द डायग्राम बिलो. तो जो डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं कि जैसे एक सीड है वो एक प्लांट तक मतलब ग्रो करता है, वो कैसे करता है, वो इन्होंने इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है. सबसे पहले क्या है, हमने एक सीड डाला, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें निकलना स्टार्ट हुई, उसके बाद पहले नीचे जड़ें निकली, उसके बाद ऊपर दो तीन लीव्स निकलना स्टार्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक प्लांट बन गया. तो इसी तरह होती है ग्रोथ एक सीड से लेकर एक प्लांट तक की. रिप्रोडक्शन, अब आगे रिप्रोडक्शन की बात होती है. फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स. तो बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, किनकी मदद से, फ्लावर्स की मदद से. इन द नेक्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस इन डिटेल हाउ दिस प्रोसेस एक्चुअली हैपन्स. तो अगले चैप्टर में हम इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की टाइप्स, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने इर्द गिर्द बहुत से डिफरेंट टाइप्स देखते हैं प्लांट्स की. ईच प्लांट डिफर्स फ्रॉम अदर प्लांट्स इन साइज, शेप, स्मेल एक्सेट्रा. तो हर प्लांट क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट है, शेप में डिफरेंट है और स्मेल में भी डिफरेंट है. लेट स्टडी प्लांट टाइप्स इन डिटेल. तो अब हम प्लांट्स की टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं. सिंपल प्लांट्स, सिंपल प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स. सिंपल प्लांट्स होते हैं और हायर प्लांट्स होते हैं. सिंपल प्लांट्स डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट. एल्जाइमोसिस एंड फर्न्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्लांट्स. मोसिस भी रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट ट्रू रूट्स एज इन हायर प्लांट्स. सिंपल प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर मतलब जिनकी रूट्स नहीं होती, शाखें नहीं होती, स्टेम्स नहीं होते, जिनके ऊपर लीव्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, वो सिंपल प्लांट्स होते हैं. और उनके एग्जांपल्स क्या है, एल्जाए, मोसिस, फर्न्स जो हैं वो उनके एग्जांपल्स हैं. हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स हैव कम्प्लेक्स बॉडीज विद ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. उनके बहुत कम्प्लेक्स बॉडीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके ऊपर रूट्स होते हैं, मतलब उनकी रूट्स होती हैं, उनके स्टेम्स होते हैं, उनके लीव्स होते हैं. दे मे ऑल्सो हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कॉनिफर्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हायर प्लांट्स. उनके ऊपर फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हायर वो हायर प्लांट्स कहते हैं. और कॉनिफर्स और एंजियोस्पर्म्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं. अगर उन्होंने बताया है सिंपल और हायर प्लांट्स में डिफरेंस, उन्होंने बताया है ट्रू और एडवांस रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट आर नॉट प्रेजेंट. कि इसमें ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अ कम्प्लेक्स बॉडी विद द ट्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स में आल्सो हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये हायर प्लांट्स होते हैं, इनमें जिनमें सब कुछ शामिल होता है उनको क्या कहते हैं, हायर प्लांट्स कहते हैं. सबसे पहले क्या है, सिंपल प्लांट्स में एल्जाए आ गई है. एल्गल लेयर ओवर वाटर सरफेस, तो पानी के ऊपर कभी कभी बहुत एल्गल लेयर आ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको हम एल्जाए बोलते हैं. बहुत गंदी सी मतलब लगती है वो. मोसिस, मोसिस क्या होता है, मोसिस ग्रोइंग ऑन अ मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट रॉक के ऊपर मोसिस ग्रो करते हैं. फर्न्स, लीव्स ऑफ अ फर्न, ये नज़र आ रही होगी आपको, इसको हम कहते हैं फर्न्स. आगे हायर प्लांट्स की दो आगे से एग्जांपल टाइप्स हैं. कॉनिफर्स, अ फॉरेस्ट ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का फॉरेस्ट, उनको हम कॉनिफर्स बोलते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट, इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं. मतलब ये हायर प्लांट्स के आगे टाइप्स हैं. एल्जे, एल्जे आर वेरी सिंपल स्मॉल प्लांट्स. एल्जे क्या होते हैं, बहुत छोटे सिंपल सिंपल प्लांट्स होते हैं. लाइक हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह दे लैक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. उनके मतलब रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते. दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ये भी क्या होते हैं,
लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, और ये भी अपना खाना खुद पे पर करते हैं किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। यू मे हैव ऑब्जर्व एल्गल लेयर्स ओवर पोंड्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि जो पोंड्स, लेक्स और मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐसी वाटर एरियाज होते हैं उनमें ना काफ़ी ज़्यादा नीचे मतलब एल्गल लेयर्स पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कलर की। एल्जाई कैन रेंज फ्रॉम द इनविजिबल यूनिसेलुलर माइक्रो एल्जाई टू लार्ज मल्टी सेलुलर सीवर्ड्स टू लार्ज मल्टी सेलुलर सीवेड्स। तो एल्जाई क्या होते हैं, जो जो वाटर के अंदर जो गहराई में जाके लंबे लंबे ग्रीन ग्रीन कलर के जो पाए जाते हैं ना ये पौधे वगैरह, इनको हम एल्जाई ही बोलते हैं। मॉसेस, मॉसेस आर आल्सो सिंपल प्लांट्स लाइक एल्जाई। मॉसेस क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सिंपल प्लांट्स होते हैं बिल्कुल एल्जाई की तरह। दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, दे स्प्रेड ओवर एंड कार्पेट फॉरेस्ट फ्लोर्स। ये क्या होते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी ऐसी मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या होता है गीला गीलापन रहता है लेकिन वहाँ पे शेडो पड़ती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है ग्रीनरी थोड़ी थोड़ी निकल आती है, उसको हम मॉसेस बोलते हैं। मॉसेस आर फ्लावरलेस, इनके फ्लावर्स नहीं होते, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स आर लाइक सीड्स, ये भी छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो भी बिल्कुल एक बिल्कुल सीड्स की तरह होते हैं। मॉसेस ग्रो लाइक अ सॉफ्ट ग्रीन फरी कोट इन ऑन अ ट्री ओवर अ रॉक और ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर। फर्न्स, फर्न्स आर लीफी प्लांट्स डैट ग्रो मोस्टली इन वॉर्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। फर्न्स क्या होते हैं, लीफी प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ पे उगते हैं, ये ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस या फिर वार्म प्लेसेस पे उगते हैं लाइक मॉसेस। मॉसेस की तरह फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्ट्स। फर्न्स भी क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे आपको नजर आ रहे हैं। इन फर्न्स, फर्न्स के अंदर स्पोर्ट्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड और स्पेशलाइज्ड लीव्स कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। तो इनके अंदर क्या होता है, स्पोर्ट्स जो है ना वो तो स्पेशल अंडरसाइड एरिया में पाए जाते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड लीव्स कहा जाता है और इनका नाम क्या है, फ्रॉन्ट्स। कॉनिफर्स, कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफर और जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दे आर लार्ज वुडी प्लांट्स विद कॉन्स, ये बहुत लार्ज वुडी प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब कॉन्स के साथ, कॉन्स सिट्टे। कॉनिफर्स आर मोर एडवांस देन सिंपल प्लांट्स। कॉनिफर्स सिंपल प्लांट्स के नीचे थोड़े से एडवांस होते हैं एल्जाई, मॉसेस एंड फर्न्स, जैसे एल्जाई, मॉसेस और फर्न्स वगैरह। देयर लीव्स आर नीडल लाइक, उनके जो लीव्स होते हैं बहुत नीडल लाइक होते हैं, मतलब सुई की तरह होते हैं। दे कैन ग्रो टॉल बिकॉज ऑफ अ वेल डिवेलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, ये बहुत लंबे लंबे निकलते हैं क्योंकि इनका जो मतलब जी जहाँ पर निकलते हैं वो एरियाज काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पर सनलाइट अच्छी होती है, वहाँ पर बारिश होती है, उनको अच्छे से सीडिंग किया जाता है। ऐसी वी कैन सी कॉनिफर्स इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, हम कॉनिफर्स को नॉर्दर्न एरियाज में देख सकते हैं या फिर नॉर्दर्न एरियाज में कॉनिफर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स जिनके ऊपर फ्लावर्स उगते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, बहुत एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स, जो तमाम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स, ये फ्लावर्स की मदद से निकलते हैं, फ्लावर्स की मदद से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सारे फ्लावरिंग प्लांट्स का। कि क्या होता है कि अगर हमारा प्लांट ख़राब भी हो गया, हम उस फ्लावर को अगर मतलब ज़मीन में उगाएं और मतलब उसको पानी वगैरह दें तो उसकी जगह पे एक नया प्लांट निकल आता है। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, ये हर तकरीबन हर प्लांट में ये खूबी होती है लाइक कॉनिफर, जैसे कॉनिफर्स हो गया। फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो हैव अ वेल डिवेलप्ड वैस्कुलर सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कॉनिफर्स की तरह ही जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका भी बहुत अच्छा वैस्कुलर सिस्टम होता है, और वो मतलब कि ताकि ये क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, इनको सनलाइट सही से मिलती है, पानी सही से मिलता है और इनका ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, हमें खाना दे सकें, फ्लावर्स उगा सकें एक्सेट्रा। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 4 का यूनिट नंबर 5। तो होप सो आपको ये समझ आया है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.